हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर शिक्षण एवं अधिगम के बारे में। दोस्तों इससे अभी तक बहुत से क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आने की संभावना है, तो इसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। और हमें पहले तो इनके बारे में बेसिक पता होना चाहिए कि शिक्षण क्या होता है, अधिगम क्या होता है, और फिर इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या है और इनमें अंतर क्या है, इन सभी के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इन सभी के बारे में जानेंगे, तो ये वीडियो आप अच्छे से देखना, ध्यान से देखना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम शिक्षण अधिगम का सबसे पहले अर्थ पता करेंगे क्या होते हैं, फिर इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, और फिर इन दोनों में संबंध क्या होता है, और फिर इन दोनों में क्या अंतर है, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम की, कि अधिगम क्या होता है। वैसे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, पूरी मैंने जानकारी दी है, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ कि अधिगम क्या होता है। दोस्तों अधिगम वह प्रक्रिया होती है जिसके अंदर हम कुछ भी सीखते हैं, कहीं भी सीखते हैं और किसी भी तरह से सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि एक छोटा सा बच्चा होता है, वो किसी आग को हाथ लगाता है, दीपक की जो लौ होती है उसे हाथ लगाता है, और उसे हाथ लगाते ही उसका हाथ जल जाता है, तो उसे पता चल जाता है कि आग को हाथ लगाने से हमें दर्द होगा, तो यानी कि वो वहाँ से सीख रहा है। इसी तरह से हम अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी तरह के काम करते हैं तो उनसे हमें सीखने को मिलता है, यानी कि अधिगम एक सीखने की वो प्रक्रिया है जिसके अंदर हम कुछ भी कहीं भी और कैसे भी हम सीख सकते हैं। इसके अंदर कोई भी नियम कायदे कानून लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो अधिगम होता है दोस्तों, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि एक छोटे से छोटा बच्चे से लेकर और एक बूढ़े से बूढ़ा इंसान भी हमेशा सीखता रहता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी सीखने की जो अक्षमता है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों, अधिगम यानी कि सीखना, किसी भी तरह से कहीं भी और कैसे भी सीखना, अधिगम का सिंपल भाषा में, सामान्य भाषा में ये मतलब होता है। और अगर आप पढ़ना चाहो तो ये सब कुछ पढ़ सकते हो, और ये नोट्स अगर आपको लेना है तो इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ये ले सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि अधिगम के अंदर क्या है। अब अधिगम की विशेषता के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अधिगम लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, ये हमेशा चलती रहती है, हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। और आगे है अधिगम अनुकूल प्रक्रिया है। अनुकूल का मतलब ये है कि जब हम छोटे होते हैं तो कुछ कम सीखते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो परिस्थितियों के अनुसार हम अच्छा सीखते जाते हैं, तो ये हमारी परिस्थितियों के अनुकूल होती है अधिगम यानी कि सीखना। उसके बाद है अधिगम सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि ये हमारी यूनिवर्सल प्रक्रिया है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, यानी कि हम इसे पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी कैसे भी सीख सकते हैं, हम कहीं भी चले जाए जो सीखने की जो प्रक्रिया वो कहीं भी बंद नहीं होती। आगे है अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। ये भी सीधी सी बात है दोस्तों, जब हम कुछ सीखेंगे, जब हमें किसी बात का पता चलेगा, जैसे कि बच्चे को पता चला कि आग को हाथ लगाने से दर्द होता है, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा, आगे से वो आग से दूर रहेगा, उससे बचने की कोशिश करेगा। और आगे है अधिगम पुराने और नए अनुभवों का योग है। तो इसके अंदर अधिगम के अंदर हम क्या करते हैं कि हमने पहले जो सीखा है और अब जो हम सीख रहे हैं उन दोनों में कंपेयर करते हैं, और उन सभी को कंपेयर करने के बाद में जो चीज़ अच्छी निकल के आती है उसे ही हम अपनाते हैं। और उसके बाद है दोस्तों अधिगम शिक्षण अधिगम उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है, ठीक। अगला है दोस्तों अधिगम विवेकपूर्ण है, यानी कि अधिगम को हम अपने अनुसार अपने हिसाब से उसे लेते हैं, और ये क्या है कि हम अधिगम हमारे ऊपर कोई थोपा नहीं जाता, यानी कि ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती नहीं होती कि आपको ये सीखना ही सीखना, ऐसा नहीं है। ये हम के हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से क्या सीखते हैं, यानी कि
यानी कि हम अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी कहीं भी कैसे भी सीख सकते हैं। इसमें कोई किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं है। और आगे देखते हैं कि अधिगम और शिक्षण में क्या है। अब बात आती है दोस्तों शिक्षण, शिक्षण क्या है और अधिगम क्या था। अब हम बात करते हैं शिक्षण की। देखिए शिक्षण का अगर हम सामान्य भाषा में अर्थ निकालें तो शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम कुछ नियम कायदे कानून और किसी प्रक्रिया के ज़रिए हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम मान के चलते कि किसी क्लास में कक्षा में कोई बच्चा जाता है तो उसमें वहाँ पे एक टीचर होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, किताबें होती है और उसका पूरा प्रक्रिया होती है सीखने की। यानी कि पहले वो फर्स्ट क्लास में सीखेगा, फिर सेकेंड में, फिर थर्ड में, इस तरह से करते हुए स्टेप बाई स्टेप वो सीखेगा। तो इसके अंदर इस तरह की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि शिक्षण का तात्पर्य बालक को कक्षा में निश्चित समय, निश्चित विधियाँ, निश्चित स्थान, यानी कि सब कुछ हमारा पहले से ही निश्चित होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, यानी कि सब कुछ हमारा टारगेट होता है। तो दोनों के अंदर ये फ़र्क होता है। शिक्षण के अंदर हमारा टारगेट होता है, एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया होती है, लेकिन अधिगम के अंदर ऐसा नहीं होता। अधिगम में हम कभी भी कैसे भी कहीं भी सीख सकते हैं। और आगे बात करते हैं शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताएं क्या होती है। शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। जब भी हम किसी बच्चे को कुछ सिखाते तो हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आए, पॉजिटिव परिवर्तन आए उसके अंदर। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे तो हमारा कुछ उद्देश्य है, तभी हम उसे पढ़ा रहे हैं कि इसमें अच्छा विकास हो सके और ये इसमें अच्छी समझ विकसित हो सके। और आगे देखिए, शिक्षण सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। ये बात भी सही है। शिक्षण के अंदर हम बच्चों को समाज में किस तरह से रहना है, कैसे बोलना है, क्या करना है वो सिखाते हैं। और व्यावसायिक भी, यानी कि जैसे हम बीटेक करते हैं, पॉलिटेक्निकल करते हैं और तरह की काफ़ी तरह की एजुकेशन लेते हैं, तो उसमें हम व्यवसाय के बारे में भी सीखते हैं। आगे है शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया। ये भी सही है कि शिक्षण के अंदर हमारा विकास होता है, यानी कि अगर हम अच्छे पढ़ लिख जाएंगे तो हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, हमारा जीवन यापन बहुत अच्छा होगा। शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। शिक्षण के अंदर हम तर्क वितर्क करते हैं, अगर हमें कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसके बारे में हम पूछते हैं और कहते कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, यानी कि साइंस के अंदर हम आर्ग्यूमेंट वगैरह करते हैं शिक्षण के अंदर। शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया है। दोस्तों ये भी सही है कि शिक्षण हम ज़्यादातर जो है आमने सामने करते हैं, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट आमने सामने होके बातचीत करते हैं। आगे है शिक्षण प्रेरणात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण के अंदर जब हमें कुछ सीखने को मिलता है तो हमें मज़ा आता है और फिर हमें प्रेरणा मिलती है आगे कुछ बढ़ने की। शिक्षण एक कुशल निर्देशन है। शिक्षण के अंदर एक डायरेक्शन दी जाती है कि किस तरह से हमें क्या करना है और इसके अंदर यानी कि पूरा अच्छे तरीके से हमें निर्देशन मिलता है कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। और आगे दोस्तों जैसे ये देख सकते हैं कि शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण में यानी कि काफ़ी तरह की चीज़ें यूज होती है, जैसे कि मान के चले कि शिक्षण के अंदर टाइमिंग का यूज करते हैं अच्छे से, शिक्षण के अंदर जो टीचिंग काफ़ी तरह की विधियों का यूज किया जाता है, तो ये त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षण को हम औपचारिक और अनौपचारिक किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब यहाँ पे क्या है। अब मान के चलते कि हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, हम उसे समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि बेटा तुम्हें ऐसा करना है, वैसा नहीं करना, उसे सारी चीज़ें समझा रहे हैं। वो हमारी टीचिंग से रिलेटेड भी हो सकती है और हमारे परिवार से रिलेटेड भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है, यानी कि हम उसे सिखा रहे हैं, यानी कि वो तो होगी अनौपचारिक होगी। और औपचारिक में क्या होगा, जैसे कि हम उसे किसी कॉलेज के अंदर समझा रहे हैं, किसी स्कूल के अंदर, किसी एकेडमी के अंदर, एक संस्था के अंदर जब उसे हम समझाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, औपचारिक हो जाएगा। और जब हम किसी यानी कि घर में या किसी अन्य जगह पर उसे समझा रहे तो वो क्या हो जाएगा, अनौपचारिक हो जाएगा। तो इसमें ये फ़र्क और इसकी ये विशेषता है। अब हम आगे देखते हैं शिक्षण के बारे में क्या है।
अब देखिए, शिक्षण एवं अधिगम का दोनों का संबंध क्या है दोस्तों? इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आने की संभावना है कि इन दोनों में संबंध क्या है और अंतर क्या है। सबसे पहले हम संबंध देख लेते हैं। देखिए, शिक्षण और अधिगम में दोनों में घनिष्ठ संबंध है और शिक्षण व अधिगम को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि जो शिक्षण और अधिगम है वो दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब देखिए, अब बच्चा क्लास के अंदर कुछ सीख रहा है, यानी कि बच्चे को क्लास के अंदर टीचर कुछ सिखा रहा है, तो वो अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से भी बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता है। अब मान के चलते कि टीचर ने केवल एक सवाल समझाया, तो बच्चा क्या करेगा कि अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से और भी सवाल निकालने की कोशिश करेगा और वो वहाँ से निकाल लेगा। तो इस तरह से जो शिक्षण के अंदर अधिगम होता है, बच्चा क्या है कि जब क्लास में आता है तो उसे ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है कि कैसे बड़े लोगों से मिलना है, कैसे बातचीत करनी है और कैसे उनका आदर करना है, यानी कि इस तरह की बातें उसे सीखने को मिलती है। वो चीज़ें उसे सिखाई नहीं जाती, लेकिन फिर भी उसे वो ऑटोमेटिक सीखने को मिलती है। तो इस तरह से शिक्षण और अधिगम दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। और भी अगर आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, अगर देखना चाहो तो ये सब देख सकते हैं। इसका आप ये सभी चीज़ें देखना चाहो तो देख सकते हैं, ये बातें पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। इस नोट्स का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप ये नोट्स बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि शिक्षण जो एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है, जिसके अंदर हम प्रश्न पूछना, भाषण देना, प्रोत्साहन, कथन, तर्क वितर्क वगैरह काफ़ी तरह की चीज़ें इसके अंदर हो सकती है। और जबकि जो अधिगम जो होता है वो एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यह विद्यार्थी के उपक्रम में घटित होती है। यानी कि जो अधिगम जो है वो एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, इसके अंदर व्यक्ति कभी भी कहीं भी कैसे भी सीख सकता है, अपने आप सीख सकता है, इसके अंदर किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और आगे देखते हैं, शिक्षण एक कार्य है जबकि अधिगम उसका परिणाम है। अब देखिए, शिक्षण एक कार्य के समान है, यानी कि जब हम स्कूल के अंदर जाते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं, एक किस्म का वो हम काम करके आते हैं, वहाँ पे कार्य करके आते हैं। और जो अधिगम है, अधिगम क्या होता है, शिक्षण का परिणाम होता है, यानी कि टीचर ने हमें क्या सिखाया, हमें क्या समझ में आया, वो क्या होगा, अधिगम होगा। अब आगे देखते हैं, शिक्षण को एक कार्य भी कहा जा सकता है जिसमें किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं है, ये बात तो हो गई हमारी। अब अधिगम को सफलता की उपलब्धि भी कहा जाता है, ये बात भी इसी में इंक्लूड हो गई। अब आगे देखते हैं, शिक्षण एक सामाजिक कार्य है जो दूसरों के हित के लिए व्यवस्थित किया जाता है। अब देखिए, ये बात भी हमने पहले डिस्कस की है कि जो शिक्षण एक सामाजिक कार्य है, सोशल कार्य है, जिसके अंदर हम दूसरों के हितों के लिए व्यवस्थित किया जाता है। अब देखिए, शिक्षण के अंदर क्या करते हैं, टीचर हमें बताता है कि किस तरह से हमें समाज में रहना है और क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से हमें नौकरी वगैरह मिलेगी, यानी कि इसमें हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाया जाता है और सभी तरह की बातें इसके अंदर शिक्षण के अंदर इंक्लूड होती है शिक्षण के अंदर, और इसे एक व्यवस्थित तरीके से किया जाता है, ये बात भी हो गई हमारी। और जबकि अधिगम होता है दोस्तों, अधिगम एक व्यक्तिगत क्रिया होती है जिसमें मात्र संबंधित व्यक्ति का ही हित निहित होता है, यानी कि अब कोई व्यक्ति कहीं से सीख रहा है तो वो उसके व्यक्तिगत सीखने के लिए हो सकता है कि उसका संबंध समाज से ना हो, वो केवल और केवल खुद के लिए ही सीख रहा हो। अब आगे देखते हैं दोस्तों, शिक्षण करने के लिए अधिगम इसमें समाहित हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक रूप से ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, मैंने पहले बात कही थी कि शिक्षण में अधिगम हो सकता है, शिक्षण करने के लिए अधिगम इसमें समाहित हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक रूप से ज़रूरी नहीं है। यानी कि शिक्षण के अंदर अधिगम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है, हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है कि ये होना ही होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से अधिगम के लिए शिक्षण हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि अधिगम के लिए शिक्षण हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक रूप से ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, ये बात आप अच्छे से ध्यान रख लेना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं और वो घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं। दोस्तों, ये जो नोट्स है इसमें से मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन आज तक बने हैं और किस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।